अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपके साथ मौजूद है मिडिल क्लास गर्ल। और मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है PSL 5, और जो कि मुल्तान में इसके 8 मुकाबले हो रहे हैं। और इस दफ़ा तो मुल्तान को होस्ट के फ्राइज सर अंजाम देने का मौका मिल रहा है। और व्यूअर्स के मुताबिक जो क्रिकेट देखने आए हैं उनको तो मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुल्तान का एक एशियंट जी हाँ, मुल्तान वो शहर जो कि सिटी ऑफ सेंस के नाम से मशहूर है, और इसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। और अगर स्टेडियम में जाके देखा जाए कि वहाँ के हालात कैसे हैं और अंदर की सूरत हाल कैसी है, तो ये सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान आर्मी को और हमारे जो पुलिस के एहलकार हैं और सिक्योरिटी अदारे हैं उनको जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही डिसिप्लिन है। और जो बाहर पार्किंग वगैरह का और ट्रैफिक का निज़ाम संभाला हुआ है वो ट्रैफिक एहलकारों ने बहुत ही प्रॉपर वे में संभाला हुआ है, और किसी को वहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। प्रॉपर पार्किंग का एरिया है, और अंदर गेट 1-5 से अंदर जाने का एक बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन वे में इंतज़ाम है। और फिजाई निगरानी भी की जा रही है आर्मी के चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से। और अगर मायरीन की राय पूछी जाए कि क्रिकेट पिच के, तो मायरीन के राय के मुताबिक मुल्तान की क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो क्रिकेट के लिए बिल्कुल प्रॉपर है। और अगर ग्राउंड की घास की बात की जाए तो वो लश ग्रीन है। और अब हम कुछ शहरी से उनका व्यूज़ लेंगे कि वो कौन सी PSL टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके ख्याल में PSL का विनर कौन होगा। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो अल्लाह हाफिज एंड टेक अ लुक। क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। PSL देख रहे हैं आप लोग जी? आप फिर कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कोटा की लड़की से। अच्छा, और आप? मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस वजह से सपोर्ट कर रहा हूँ कि फाद जो फाद राना है जो इसके चेयरमैन है लाहौर कदम के, तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी टीमें जो है ना बिना नाम के खेलें, और जो टीम जीते उसे लाहौर कलंदर का नाम दे दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। वो लाहौर कलंदरी तो मेरे भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि आए थे वो मजाक क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा फेसबुक पे। आइए नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपके? असदुल्लाह। अच्छा जी, अब बताएं आप कौन सी टीम के साथ हैं? मुल्तान सुल्तान। इसके रीजन क्या है? और मुल्तान सुल्तान में यफूदी खेल रहा है और शान खेल रहा है इसलिए। हाँ। और मोइन इसलिए। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट भाई अपना नाम बता दें प्लीज। जी मेरा नाम आसिफ शहजाद है। मैं बेसिकली मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी शायद बूम 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 का नाम बहुत सुना है। उसके अलावा क्योंकि मुल्तान में मैंने 3-4 साल यहाँ गुजारे हैं, मुल्तान के लोग बहुत अच्छे हैं और इसके साथ साथ मुल्तान की टीम भी बहुत अच्छी है। आई सपोर्ट मुल्तान सुल्तान। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद जाट है और मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे लाला जी खेल रहे हैं अफरीदी साहब, और हम इधर मुल्तान के हैं और हमारी डिवीजन भी मुल्तान है और हम डिस्ट्रिक्ट गुजारी से, और हम अपने इलाके को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलो। आप अच्छा, आप PSL देख रहे हैं? तो फिर आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान। अच्छा, कोई फेवरेट प्लेयर है उसमें? जी बिल्कुल है, लाला। अच्छा सही, गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? उस्मान गबोल। अच्छा जी, कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? इस्लामाबाद। रीजन? रीजन ये है कि वहाँ का माहौल ठंडा होता है इलाके वाइज, वहाँ की पावरफुल आवाम है, यहाँ पे गरीब नवाज लोग रहते हैं सारे, इनके पास पावर नहीं है कि ये शो कर सकें। वो पहाड़ी लोग हैं, उनके पास पावर ज्यादा, खजूर है, उसके अलावा काफी फ्रूट्स है उनके पास, ड्राई फ्रूट जो वो यूज करते हैं। हमारे पास तो किस्मत रीत बादाम आ जाता है। अच्छा। और तो कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि PSL का विनर कौन होगा? PSL का विनर इस्लामाबाद ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। चले नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपके? मेरा नाम रशीदुल्ला। अच्छा, PSL में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम क्वेटा ग्लिटर्स को। अच्छा जी, कोई फेवरेट प्लेयर है उसका? शेन वाटसन। अच्छा,
پی ایس ایل کا ونر کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئٹہ گلیڈرز ہی ہوگا انشاءاللہ، گلیڈرز کوئٹہ کی ٹیم بھی انشاءاللہ ونر ہوگی، اور آپ دیکھیں گے اگر جیت جائے تو آپ لازمی مجھے مبارکباد آپ نے خود دینی۔ ملتان سلطان زندہ باد، ملتان سلطان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، تھینک یو، چلو۔